नमस्कार, मैं महक स्वागत करती हूँ आपका न्यूज विंग में। अभी हम मौजूद है राजभवन के समक्ष। अभी हमारे साथ मौजूद है चंदन क्यारी विधायक अमर बावरी जी, जो कि आज राज्यपाल से मिलने आए हुए हैं। तो इनसे जानेंगे कि आप कुछ मुद्दे को लेकर आज ये राज्यपाल से मिलने आए हुए। देखिए, मुद्दे हमारे कई थे। हम लोगों ने कहा है कि भाई, जिस तरह से अपने आदरणीय विधायक समरी लाल जी को एक तरफा निर्णय लेकर के उनको सदस्यता को चैलेंज किया गया है, जबकि राज्य की सरकार ने ही उनको सर्टिफिकेट इशू कराया है। कई बार वो चुनाव लड़े हैं और यहीं पर रह रहे हैं, उनके पूर्वज यहाँ पर रहे हैं। और ये वाल्मीकि समाज आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ लाया गया था। चूँकि ये कॉलोनियों में बसे थे, ये लैंडलॉर्ड नहीं बन पाए, और लैंडलॉर्ड नहीं बनने के कारण कहीं पर भी उनका जो है नाम नहीं आ पाया, जो सर्वे हुआ उसमें नहीं आ पाया। आज जो अपने घर द्वार छोड़ करके पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, तो उनके साथ न्याय कराया जाए। साथ ही साथ जो मुरुमातु में हमारे पांडु ब्लॉक में पलामू के जो हमारे दस मुसहर परिवार को जिस तरह से हटा दिया गया, उनको घर से बेदखल कर दिया गया, आज एक महीने से ज़्यादा का समय हो गया। अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय आयोग के अल्टीमेटम के बाद भी एक महीने के अंदर उन्होंने कहा था उनको पुनर्वासित किया जाए, लेकिन राज्य की सरकार, स्थानीय प्रशासन ने कोई पहल नहीं की। अभी भी वो सब एक खंडहर में रहने के लिए बेबस है। जमशेदपुर में जिस तरह से दलित बच्ची ने आत्महत्या का प्रयास किया प्रताड़ना से तंग आ करके, केरेडारी में जिस तरह से मांग करके मार करके टांग दिया गया, जिंदा टांग दिया गया, जैसे मोनिका कुमारी की घटना हुई, ये सारे घटनाओं को लेकर के हम लोगों ने महामहिम का ध्यान आकृष्ट कराया है कि राज्य के अंदर दलितों में भय भी है, आक्रोश भी है, और इसके ऊपर जो है राजभवन का नज़र जाए और ऐसे लोगों को जो है सुरक्षा देने का काम राजभवन प्रदान। जैसे कि आपने राज्यपाल से मुलाकात की, उनके द्वारा क्या कुछ कहने को मिला आपको? बड़े गंभीरता के साथ उन्होंने सारे विषयों को सुना और उन्होंने कहा कि जो भी इसमें कार्रवाई होगी, और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, क्योंकि सारे घटनाओं में कहीं ना कहीं राजभवन ने, चाहे वो पांडू का घटना हो, उस पांडू के घटना में भी महामहिम ने स्वयं संज्ञान लिया था और उनके ध्यान पे था। तो ये लगता है कि भाई, आप दलितों के, आदिवासियों के रक्षा और उनके कल्याण के लिए और उनको जो हक है, अधिकार के लिए आप खड़े हैं, तो हमारा तो इन्हीं से एकमात्र भरोसा है। राज्य सरकार से तो कोई भरोसा अब रहा नहीं, इन्हीं से भरोसा है कि प्रशासन को निर्व्यक्तिक रूप से काम करने के लिए, संविधान के आधार से काम करने के लिए उसको निर्देशित करे, उसको कहे कि भाई वो अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से कर सके। जैसे कि देखा जाए तो दलितों के साथ लगातार अत्याचार किया जा रहा है, इन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाएंगे आप? देखिए, कदम तो प्रशासन को उठाना है। अगर यदि नहीं उठा रही है प्रशासन, तो हम लोग जन दबाव, जन आंदोलन को माध्यम बना करके राज्य सरकार को विवश करेंगे कि इस पे जो है कार्रवाई करें। Four Seasons, a multi-cuisine family restaurant. First restaurant, which is based on the theme of four different seasons. For booking, contact 979-82-83015, 82102762. First floor, our Platinum Bajaj near Khalifa Tower, Kanki Road, Ranchi.